एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायवाची शब्द, जिसको हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो उस पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ प्रायवाची शब्द होते क्या है। प्रायवाची शब्द वो होते हैं जिसमें एक व्यक्ति या किसी वस्तु का एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को हम अनेक नाम से बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम अंजना है, मैं अंजना हूँ और मेरे घर का नाम अंजू है। मतलब मेरे बाहर का नाम अंजना है और घर का नाम अंजू है, पर मैं हूँ तो एक ही ना और मेरे दो नाम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, वो एक ही है पर उनके अनेक नाम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है धरती। धरती को हम क्या बोलते हैं? भू और भूमि। धरती एक ही है पर उसके ये और भी नाम है, भू और भूमि। उसके बाद आकाश। आकाश को हम और क्या बोलते हैं? नभ और आसमान। उसके बाद पानी। पानी को और क्या बोलते हैं? जल और नील। उसके बाद आग। आग को क्या बोलते हैं? और अनल और अग्नि। उसके बाद भगवान। भगवान को और क्या बोलते हैं? प्रभु और ईश्वर। बहुत से लोग बोलते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, बोलते हैं अलग अलग है पर वो है एक ही। उसके बाद पेड़। पेड़ को और क्या बोलते हैं? तरु और वृक्ष। उसके बाद फूल। फूल को और क्या बोलते हैं? पुष्प और सुमन। उसके बाद बादल। बादल को और क्या बोलते हैं? मेघ और जलधर। सूरज। सूरज का दूसरा नाम सूर्य और दिनकर। चांद। चांद को और क्या बोलते हैं? राकेश और चंद्रमा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, ये है एक ही पर इनके अनेक नाम है, पर इनके और भी अनेक नाम है, पर मैंने आप लोगों को आसान ही कराए हैं। तो चलिए, आज की क्लास खत्म करने से पहले डेली की तरह आपका होमवर्क दे देती हूँ। आपका होमवर्क है, आपको अपने मन से सोचकर 10 प्रायवाची शब्द लिखने हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, पर अगर आप और अपने मन से दूसरे करें तो और अच्छा होगा, ठीक है। और ये नहीं सिर्फ आप इनको करेंगे, इनको अच्छे से लर्न भी करेंगे, लर्न करने के बाद मुझे सुनाएंगे भी। और जैसे कि डेली की तरह आप मुझे अपने सारा काम वापस से सेंड करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। बाय बाय।